देखिए ये माया प्रभु की कि समय क्या से क्या हो गया। ठीक है स्वामी जी। क्या है? लेकिन मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते थे। ना मालूम उन्हें क्या हो गया था, वो किसकी बातों में आके आपके साथ शादी करके मुझे अपने राज से निकाल दिए। चलिए पहले मैं अपने पिताजी से मिलूंगी, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ स्वामी। तो ठीक है प्रिय, अगर अपने पिताजी से मिलना चाहती हो तो चलिए इसी वक्त मैं तुम्हारे पिताजी से तुमको मिला करके आऊँगा। ठीक है स्वामी जी, आइए। चलिए जय माँ भवानी। साथियों जाओ उस कमबख्त महाराज नागपाल सिंह को हाजिर करो जनता के बाहर। लाओ उस हराम जाते को। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। महाराज किस हाल में हो? शेर लोहे की जाल में है। जल गई सारी रस्सी लेकिन ऐठन नहीं गया। शैतान सिंह जो तुम्हारा काम है तुम वही कर सकते हो। महाराज जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ होते। कौन ऊपर वाला? कौन है जो दुनिया को बनाता है? दुनिया को मैं बनाता हूँ? दुनिया में से है हम, दुनिया से नहीं। महाराज नागपाल सिंह तुम्हें बचाने का रास्ता एक है। तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। साथियों जाओ उस कमबख्त छोकरी का हाजिर करो राजकुमारी अंजू को। बाप बेटी को दोनों के हाथ में रस्सा लगा दो। पिताजी मिला। पिताजी मेरी गलती को माफ कर दो पिताजी। हे भगवान मुझसे भूल हो गई पिताजी, मेरी गलती को माफ कर। या मेरे मालिक मैं क्या देख रहा हूँ कि जो बेटी मुझे महल से जिंदाल में कर दिया, मेरे बंधे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि ये शैतान सिंह हमारी बेटी को भी हिरासत में कर लिया। महाराज नागपाल सिंह ले चलो, बेहतरी तुम्हारी सिम है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। ये आपकी बेटी है तुम्हारी बेटी ना? महाराज बोलो। बोलते रहो, तुम्हारे कान बह रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हो। मैं नहीं सुन रहा हूं कि कितना जोर बोल दिया तुमने। तुम्हारी बेटी है? बोलते रहो क्या है? है तुम्हारी बेटी? जी हाँ। अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपनी बेटी अंजू का हाथ मेरे हाथ। अबे कुत्ते, गंदी नाली के कीड़े सर नहीं लगती तुम्हें? सर की क्या बात है, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने है। आवाज या तो हाँ करोगे या तो जिंदगी से हाथ धोगे। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन पत्तल चाटने वाले कुत्ते तुम हमारी बेटी से ब्याह करोगे? महाराज नागपाल सिंह कालखोर को सुन लो, हम तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पहले तड़पा तड़पा के मारूंगा ताकि पूरी रिया देखकर घबराएगी कि शैतान क्या चीज है। हरामजादे अपनी जिंदगी के लिए सोच। मैं अपनी जिंदगी को सोच लिया? मुझे मारने वाला साला कोई पैदा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कपास नहीं है कि जिसकी रुई से शैतान सिंह का कफन बन सके। शैतान सिंह तुम भूल चुके हो, कफन तो नसीब वालों को मिलता है। तुम तो साले बदतमीज बदनसीब हो। महाराज नागपाल सिंह मैं 2.5 लाख नहीं सुनना चाहता हूँ। साथियों सरदार जी ऐसे नहीं मानेंगे, बाप बेटी को फांसी के तक पर चढ़ा दो और इसकी कहानी को खत्म कर दो। राहों का कहना साफ।
और महाराज तुम्हारा विनाश होगा। तलवार में इतना धार नहीं है शैतान सिंह, तलवार में इतना धार नहीं है जो कि म्यान को काट सके। कौवा साला कितना भी ऊंचाई चला जाए लेकिन कबूतर नहीं बन सकता बेटे। आराम चादे, तू अपने आप को सोचता क्या है? लगाओ कुर्सी लगाओ, कहा फांसी के तख्त पर। अरे साथियों देरी मत कीजिए। ठीक है सर, ये लग गया। लगाओ गले में फांसी का फंदा बाप बेटी। या भगवान, या भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। टाटे रखो। मैं किस तरह से, मैं जिस तरह से कर्म की, ऐसा कभी कोई मत करना भगवान। ये मेरी गलती का नतीजा है जो आज मेरी गलती से मेरे पिताजी की भी जान जा रही है भगवान, मेरे पिताजी की भी जान जा रही है। आज याद आ रही बाप की है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। एक साथ मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है शैतान सिंह। फिर किस बात का गम है? मुझे तो गम है कि मेरी छोटी बेटी मंजू किस हाल में होगी मेरे। महाराज आज तुम्हारी छोटी बेटी की याद आ रही है, है? जी हाँ। बोलो कुछ खाना चाहते हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। हम कुछ नहीं खाना चाहते हैं। किसी से मिलना चाहते हो? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। अगर हो सके, अगर हो सके तो मेरी छोटी बेटी मंजू से मिला दे। महाराज नागपाल सिंह सपना मत देखो, सपना तुम्हारा साकार नहीं होगा। अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो मंजू से, तो तुम्हारी बेटी मंजू को हमने जंगल में बंधवा दिया। क्या कहा? हमारी बेटी को जंगल में बंधवा दिया? और जो जीवन साथी था उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन शैतान सिंह सांच पर कभी आंच नहीं आती। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात नहीं। भगवान मुसीबत के दिन में, या मेरे मालिक अगर तुम्हारे पास न्याय है तो मेरा फैसला तुम ही करना, मालिक तुम ही करना। यहाँ भगवान आगत यही हाल करोगे जो तुम्हारी हो रही है। भगवान मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं भगवान। भगवान मुसीबत के दिन में इंसान सताए जाते हैं। जो लोग हैं बागी दौलत के, जो लोग हैं बागी दौलत के, बेईमान का एक दो तीन कहने के बाद फांसी के तख्त पर झुला देना। ठीक है सरदार जी। नंबर एक, या मेरे भगवान। नंबर दो और नंबर खबरदार, या तीन कहना नहीं बात खबरदार, तीन कहना नहीं वो नसीधे मुल्क अदम जाएगा। खोल कर आके मुझको ये पहचान ले, सीधे मुल्क के अदम की डगर जाएगा। कौन है बीच में तू मेरे आग करा, कौन है बीच में, कौन है बीच में तू मेरे आगा, खाम खा मौत को अपने सर ले रहा। भाग जा जान ले करके
पाजी अभी और ना भेजूंगा मुल्के खूब अच्छी तरह मुझको पहचान ले जिसको फेंकवाया था ये पहाड़ी से तू खोल कर आँखियाँ मुझको पहचान ले। मुझको मालूम हुआ तू है कौन ही वही मुझको मालूम हुआ मालूम हुआ तू है कौन ही वही जिस्म के अब तेरे चार हिस्से करूं मारते गे दुदम भेजू मुल्के अदम सर जमी पे लुढ़कता कर आएगा बस कुत्ते की औरत पहचान लो जिसको तुमने पहाड़ी से फेंकवाया था बेचारा कोढ़ी साले आ तू बच के नहीं जाएगा आज वही कोढ़ी है जिसको तुमने फेंकवाया था तेरी मौत बनकर हराम को अजनबी मैं ये जानना चाहता हूं कि अपनी जान पर खेल कर मेरी जान क्यों बचा लिया मुझे मर जाने दिया होता जानना चाहते हो महाराज कि मैं कौन हूं जी हाँ तो ठीक है आपके सामने भद्रदेव उठा के देखो तुमने जिसके साथ अपनी बेटी को तुमने शादी करके भेजा था ये वही कोढ़ी इंसान है और जरा नजर उठा के देखो महाराज कि तुम्हारे सामने कौन पिताजी मैं कोई दूसरी नहीं मैं आपकी छोटी बेटी राजकुमारी मंजू हूँ पिताजी बेटी मैंने तुमको बहुत दुख दिया बेटी हो सके तो बेटी मुझे माफ कर दो बेटी। पिताजी ये आप क्या कह रहे थे ये तो मेरी नसीब में लिखा था ये मेरी किस्मत का खेल है बापू इसमें आपका कोई दोष नहीं है महाराज लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं वही कोढ़ी हूं हाँ महाराज जिसके साथ में तुमने अपनी बेटी की शादी करके भेजा था मैं कोई था नहीं मैं एक फर्रुखाबाद जसवंत सिंह महाराजा का पुत्र मैं राजकुमार मेरा नाम बलवंत सिंह है क्या कहा महाराज जसवंत सिंह के बेटे हो महाराज ऐसा है कि आज्ञा दीजिए मेरे माता पिता व्याकुल होंगे मैं भी अपने माता पिता का दर्शन करके आऊंगा ठीक है बेटे तो हम दोनों प्राणी आपकी सेवा करेंगे बापू लेकिन बेटा उस गुस्से में और अंजू के बहकाए में मैंने तुम्हारी शादी किया था लेकिन मैंने कुछ दिया नहीं था लोगों ने कहा है कि बेटी के लिए माँ बाप का आशीर्वाद ही बहुत कुछ होता है या मेरे मालिक तुम्हारी मैं अपने नगर जाना चाहता हूं आप विदाई करिए राजन बेटी उजड़ा हुआ गुलशन खिला या भगवान तुम्हारे घर देर है अंधेर नहीं है मालिक उजड़ा हुआ गुलशन खिला पिता पे बेटी नाज करेगी उजड़ा हुआ जा बेटी
हर नाना सिकवा गिला बेटी कोई करना ना सिकवा गिला पिता पे बेटी नाज करेगी उजड़ा हुआ या मेरे मालिक हमें क्या करना है जो जिसके मुकद्दर में लिखा था परमात्मा ने उसको उतना दे दिया अब बचा हुआ जीवन ये धन संपत राजमहल कोठा अटारी ये तो सब बलवंत सिंह का हो गया। आज से मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर भगवान का भजन करूंगा और बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत करूंगा। जय मां शारदे। प्रिय राजकुमार बलवंत सिंह भी बियाबान जंगल में शिकार करने गया लेकिन अभी वो लौट कर नहीं आया। इतना दिन बीत गया, अब मैं क्या करूं प्रिय, मैं क्या करूं? राजकुमार नहीं आया, लगता अब नहीं आएगा मेरा बेटा। क्या बताऊं भगवान, इसे तो बेहतर मैं मर जाना ही अच्छा है। हाँ प्रिय, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों प्राणी का जीवन कैसे निर्वाह होगा। मैं पिताजी और माँ। बेटा तुम कहाँ इतने दिन से गायब रहे? मेरे लाल बेटा, 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 बेटा। बेटा। बेटा इतने दिनों से मैं तेरे लिए व्याकुल था, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था मेरे लाल, कहाँ चला गया? पिताजी जो माँ बाप का कहना नहीं माना वो कभी उसकी जिंदगी सुख से नहीं बीती। बापू मैंने अगर आपका और माता जी का कहना मान लिया होता तो ये दिन मुझे देखने को न मिलते। बेटा मैं यहाँ से गया बाबू जंगल में जब शिकार करने के लिए। अच्छा। शाम का वक्त हो गया, कोई शिकार नजर नहीं आया, मैंने सोचा खाली हाथ जाऊंगा तो पिताजी क्या कहेंगे, इसलिए मैंने एक तालाब के किनारे पर एक झील थी और वहीं पर झाड़ थे कुछ, मैंने सोचा शाम का वक्त हो रहा है यहाँ पर पानी पीने के लिए जंगली जानवर जरूर आएंगे, तो क्या देखता हूँ पिताजी कि एक हिरन पानी पीने के लिए आया और वहीं पर थोड़ी दूर पर एक महात्मा जी जल भरने आए। मैंने हिरन पर गोली चलाया लेकिन गोली हिरन की नहीं बल्कि जा कर के महात्मा जी के लगी और वहीं पर वो भगवान को प्यारे हो गए। महात्मा जी को लगी? जब महात्मा जी खत्म हो गए बाबू तो वो जोगन वहीं पर थी उसी जंगल में वो मढ़ी बनाकर दोनों रहते थे, गोली की आवाज़ सुनकर आई तो क्या देखती कि महात्मा जी खत्म हुए थे और उन्हीं की लाश पर अपने पति की लाश पर तड़ तड़ कर रोने लगी। बापू मैंने जा कर के जोगन से माफ़ी मांगा कि मेरी गोली से खत्म हुई है, मुझे माफ़ किया जाए, जानबूझकर मैंने नहीं मारा लेकिन वो
अपने पति की लाश पर तड़प तड़प करके रो रही थी और क्रोध में वो पागल होकर श्राप दिया कि जाओ, जैसे मैं आज अपने पति के लिए तड़प रही हूँ वैसे तुम तड़पोगे, अपनी मंजिल भूल जाओगे, अपना नगर भूल जाओगे और जाए मेरा श्राप है तेरी बदल में कोल हो जाए। अरे कोल हो जाए, लेकिन उसी वक्त दिमाग नहीं काम किया बापू, जैसे आसमां और धरती नाचने लगी इससे चक्कर आया, मैं अपनी मंजिल भूल गया, थोड़ी देर बाद जलन हुई और पूरी बदल में कोल हो गई। अरे भगवान, लेकिन बेटा इस वक्त तो मैं तुझे अच्छा भला देख रहा हूँ। हाँ बापू, ये इन्हीं की देन है बापू, जिनको आप देख रहे हैं, जिनके जरिए आज मैं आपके पास आया और वो कोस दूर हुई। लेकिन बेटा ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? अगर ये जानना चाहते हो बाबू तो ये कन्नौज के महाराजा नागपाल सिंह के पुत्री हैं और केवल एक टुकड़ा रोटी खिलाने के बजाय में इनके पिताजी ने बहुत बड़ी सजा दिया कि तुमने मेरी बर्बादी करा दी, समाज में मेरी तुमने बेइज्जती कराई, इसलिए जा, जैसे तुझे खिला रही इसी के संग में तेरी शादी कर रहा हूँ और एक कोढ़ी तेरे साथ में रहेगा, ले जाए मेरे नगर से बाहर जा। ये नागपाल सिंह की पुत्री है बापू। महाराज नागपाल सिंह की पुत्री? हाँ। यानी कि तुम्हारी पत्नी है? हाँ बापू। पिताजी देखिए, कभी आप उस जंगल में गए थे जहाँ पर एक लड़की कैद थी पिताजी? हाँ हाँ बेटी। और आपने जाकर उसे उस बंधन से मुक्त किया था पिताजी? हाँ बेटी, तो कई वर्षों की बात है। लेकिन उसने क्या कहा था, एक दिन आपका लाल जरूर मिल जाएगा? हाँ पिताजी, ये कोई दूसरी लड़की नहीं, वो मैं थी पिताजी। धन्य प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, आज मेरा बेटा, मेरा पूरा परिवार मिल गया, आज मैं अति प्रसन्न हुआ। आज से ये राज और ताज मैं अपने बेटे बलवंत के दे रहा हूँ, यहाँ का महाराज आज से बलवंत सिंह होगा और यहाँ की महारानी कुमारी मंजू होगी। आज से तुम अपना एक कार्यभार संभालो। बोलो शारदा मैया की। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।